देव, देवकुंड और पूंगा, तीन मंदिर का प्रमाण मिलता है कि एक ही रात में बनाए हैं। महिषासुर को वध करते हुए मुद्रा में यहाँ अवस्थित है देव और उमगा, दोनों जगह मिला के 28 राजा राज किए हैं और 1496 ईस्वी से हम लोग इस पहाड़ पर पुजारी के रूप में नियुक्त हैं। यहाँ इस धरोहर का देख रेख, रख रखाव, सारा जिम्मेदारी हम लोगों के जिम्मे पीढ़ियों से चले आ रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं ये उपेक्षा का बहुत शिकार है। और जगह हम जाते हैं देखते हैं वहाँ की राज्य सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन यहाँ भी अगर राज्य सरकार पर्यटन मंत्री अगर ध्यान दे तो यहाँ पर भी चहुमुखी विकास हो सकता है। बिहार सरकार अगर इस जगह का विकास करती है तो इस क्षेत्र के हजारों हजार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सोलंकी हिस्टोरिकल दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं पहुंच चुका हूं औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले के उमगा पहाड़ पर। उमगा पहाड़ में जो आप मंदिर देख रहे हैं पीछे, ये मंदिर रात ही रात बनकर तैयार हो चुका था। ये सूर्य मंदिर के नाम से जाना भी जाता है। और ये मंदिर रात में किस प्रकार बना, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या सच है, चलिए लोगों से जानते हैं। पहले तो पंडित जी नमस्कार। मंदिर के बारे में लोगों से बहुत सुना था, ये मंदिर रात ही रात में बनकर तैयार हो गया, तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या सच है, क्या कहानी है, तो एक बार आप लोग हम लोगों को बताएं। देखिए, यह जो है यह स्थान माता उमगेश्वरी भगवती के नाम से प्रसिद्ध है। राजा दक्ष प्रजापति जब जग कर रहे थे, उस समय भगवान शिव को पूछे नहीं, बुलाए नहीं, सभी को निमंत्रण दिए लेकिन भगवान शिव को बुलाए नहीं, निमंत्रण नहीं दिए। माता पार्वती से जब कहे भगवान शिव कि देखो तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा है और हमको नहीं बुलाया गया, जब इस तरह की बात माता पार्वती सुनी तो उनके मन में रोष हुआ। हर कोई अपने पति के अपमान के बाद थोड़ा सा होता है। तो माँ पार्वती कही कि नहीं हम जाते हैं जी। और गए माँ पार्वती अपने पिता के घर में, गए जग में शामिल हुए। जग में जो आहुति चल रही थी उसी आहुति में जो है वो कूद पड़ी और अपने आप को समाप्त कर। लेकिन भगवान शिव ये तो त्रिकालदर्शी थे, सारा चीज दिख रहा था इनको। और पर्णय के मुद्रा में जब भगवान शिव चले हैं माता और वहां जाते हैं, माँ पार्वती के शव को कंधे पर ले करके और चलते हैं पृथ्वी को पर्णय के मुद्रा में, उसी समय भगवान विष्णु देखे कि यह तो नजारा ही बदल गया, अब सृष्टि का नाश तय है। कहे कि भगवान शिव जो है यही संहार करता है, विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा जी रचयिता है, नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती के अंग को काट काट कर गिराना शुरू कर दिए ताकि भगवान शिव का मोह भंग हो। जिस जिस स्थान पर माता पार्वती का गिरा अंग वो एक कामन जगह शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज एक कामनो शक्ति पीठ का जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, ये उमगा पर्वत है, ये उमगा पर्वत है और ये बिंद श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बिंद श्रृंखला से जुड़ा हुआ होने के कारण ये साधना पीठ है। उस शक्ति पीठ अगर है तो ये साधना पीठ है। और
यहाँ हमारे यहाँ इस हजारों टन हजार टन की चट्टान के नीचे माता महिषासुर मर्दिनी महिषासुर को वध करते हुए मुद्रा में यहाँ अवस्थित हैं। और जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आते हैं, माता के चरण में शीश नवाते हैं, उनकी कामना पूर्ण होता है। और यहाँ पर भगवान शिव और भगवान सूर्य भैरव के रूप में यहाँ पर माता के साथ विराजमान है। यह जो हजारों टन का चट्टान लटका हुआ है, इसका आधार मात्र 6 इंच माँ के मस्तक पर टिका हुआ है। यहाँ की खासियत जिस जगह में आप बैठे हुए हैं, मतलब इतना बड़ा पहाड़ और एक छोटे से पहाड़ पे टिका हुआ है, छोटे से चट्टान पर ही नहीं माता के मस्तिष्क पर। उधर में देखिएगा आधार के नाम पर, आधार के नाम पर 2 फीट पश्चिम साइड में और पूर्व साइड में माता के मस्तिष्क पर 6 इंच, इतना ही दूर में हजारों टन का चट्टान विशाल टिका हुआ है। ये है माता की महिमा। और इस आप जो जानना चाहे हमसे कि सुने हैं कि एक ही रात में मंदिर बन के तैयार, तो एक हम लोग सुनते आए हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्वतः भगवान विश्वकर्मा जी अपने हाथ से यहाँ मंदिर बनाए हैं। देवकुंड और उंगा 3 मंदिर का प्रमाण मिलता है कि एक ही रात में बनाए हैं, जिसमें ये छोटा मंदिर और एक मंदिर और है जिसको यहाँ होटल की मंच से जाना जाता है। वही मंदिर बनाते बनाते भोर हो गया था, भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए, पूरा मंदिर नहीं हो सका। वो मंदिर आज भी देखने के लिए, जो 4 मंदिर बने थे उनमें जो 3 मंदिर आप बता रहे हैं, हाँ। तो मैंने इससे पहले सुना था कि 4 मंदिर, एक देवघर जो था, देवकुंड और उमगा बाद में उमगा, पहले देव तब देवकुंड और तब उमगा। तो उमगे का मंदिर बनते समय बिहान हो गया, और बिहान होने के बाद बिहान होने के कारण भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए, वह मंदिर आज भी अधूरा का अधूरा है। और यहाँ पर जो है सो कि 1496 ईस्वी में मूर्ति तो थे सभी जगह पूर्व प्राचीन काल से ही हैं, लेकिन जो अंग्रेजी शासन आया उस समय हमारे यहाँ मूर्ति हमारे कलाकृति से हमारे भावना से खिलवाड़ किया गया, मूर्ति को तोड़ किया गया। तो मूर्ति जो थे जहां तहां खंडहर में तो कहां बिगे हुए थे, उन सारे मूर्तियों को राजा भैरवेंद्र देव और रूमगा दोनों जगह मिला करके यहाँ पर 28 राजा राज किए हैं। देव और उमगा दोनों जगह मिला के 28 राजा राज किए हैं, जिसमें 1496 ईस्वी में देव मंदिर में भी जो मूर्ति स्थापित है वो, और यहाँ जो मंदिर में मूर्ति स्थापित है तो हमारे पूर्वज के 15वां ऊपर पीढ़ी के दादाजी जो थे उनके द्वारा राजा भैरवेंद्र के अति से यजमान बना करके और मूर्ति का स्थापना किया गया है, जिसका शिलालेख में चर्चा है हमारे पास। देवराज वंशावली और पूर्णाडी विप्र वंशावली में इसका उल्लेख मिलता है। और पूर्णाडी गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग बिहाय गंगा हर मोहल सिंह रे उमंग नगरी हम लोग जो है बनारस के गंगा माता के तट को छोड़ करके राजा भैरवेंद्र के द्वारा उमगा पहाड़ के शिखर के नीचे लाके बसाए गए हैं, हमारे पूर्वज को यहाँ लाके बसाया गया है। और 1496 ईस्वी से हम लोग इस पहाड़ पर पुजारी के रूप में
नियुक्त है। यहाँ इस धरोहर का देख रेख रख रखाव सारा जिम्मेदारी हम लोगों के जिम्मे पीढ़ियों से चले आ रहा है। तो थोड़ा राजा भैरव के बारे में थोड़ा। हाँ, राजा भैरवेंद्र यहाँ जो राज किए, यहाँ से वो देव चले गए और यहाँ 23वां राजा फतेह नारायण सिंह जी हुए। फतेह नारायण सिंह जी हुए और 23वां राजा फतेह नारायण सिंह जी जो हुए, उनके दो बच्चियों की शादी हमारे पूर्वज के दादाजी ठीक करने गए थे आरा जगदीशपुर, जहाँ के बाबू वीर कुमार सिंह हैं। और बाबू वीर कुमार सिंह की शादी जो है यही देवगढ़ से बड़े धूमधाम से किया गया था। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस बात का चर्चा है, वर्णन है, मेरे पास किताब है। बिहार बंगाल ओडिशा और सिक्किम, बिहार बंगाल ओडिशा और सिक्किम जिस समय एक राज था, उस समय इंडियन वार्षिक नाम की जो पुस्तक है उसमें हमारा चर्चा है। मेरा नाम चंदन कुमार है, हम नवी नगर से आए हैं जो औरंगाबाद जिले के दक्षिण छोर पर पड़ता है। ये हमारे धर्म पत्नी है, हम पैसे से टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। ये ओंकारेश्वरी मंदिर, यहाँ पे 52 मंदिरों की पर्व श्रृंखला है और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है। हम भी इससे पूर्व कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। फिर भी माँ के दरबार में आए हैं, जो कुछ सोचे हैं माँ मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, फिर भी हम यहाँ पर आते हैं आएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं ये उपेक्षा का बहुत शिकार है। और जगह हम जाते हैं देखते हैं वहाँ की राज्य सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन यहाँ भी अगर राज्य सरकार पर्यटन मंत्री अगर ध्यान दे तो यहाँ पर भी चहुमुखी विकास हो सकता है। यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक है, जो बेरोजगारी के दौर से जो बच्चे गुजर रहे हैं यहाँ पर रोजगार का साधन उपलब्ध है, जो कुछ कमा सकते हैं। बिहार सरकार की सुनने में आया है कि डायरी में ही आ गया है, पर्यटक क्षेत्र के डायरी में आ गया, लेकिन पर्यटन विभाग के द्वारा अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्य नहीं किया जा सका है, जिससे इस क्षेत्र के लोग एवं पुजारी परिवार उदासीन है। इस क्षेत्र में यहाँ के विकास से हजारों हजार लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इस जगह के अगर विकास हो तो इस जगह के विकास से यहाँ के बहुत सारे हजारों हजार नौजवानों का को रोजगार मिलेगा। लेकिन पता नहीं इतनी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर होने के बाद भी, 52 मंदिरों की श्रृंखला युक्त पर्वत श्रृंखला होने के बावजूद आज तक बिहार सरकार अभी तक जगी नहीं है और बिहार सरकार की पर्यटन मंत्री इसका कोई शोधबोध नहीं ले सकी है। सुनने में आता है कि बिहार डायरी में इसका नाम चला गया है, लेकिन बिहार डायरी के में नाम जाने के अलावा और कुछ हम लोग न कुछ देखे हैं और न कुछ सुने। सुनने में आया था कि गौरी शंकर बाबा के पास रोपवे बनने वाला है, उसका सर्वे उर्वे होकर के चला गया है, लेकिन सर्वे हुए भी हमको लगता है कि 3 से 4 साल बीत चुका, लेकिन उसके संबंध में भी अभी तक कुछ देखने सुनने को नहीं मिला है। बिहार सरकार अगर इस जगह का विकास करती है तो इस क्षेत्र के हजारों हजार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और यह अति प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित भी होगा।